हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलीशा स्टोरीज। और आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जिसका नाम है द लॉयल मंगूस। यह स्टोरी है एक मंगूस की, उस ब्राह्मण और उसकी वाइफ की। तो चलिए रीड करते और समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द आउटस्किट्स ऑफ अ सिटी, मतलब कि एक बार की बात है, एक सिटी क्या आउटस्किट्स में, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण विद हिज वाइफ। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था अपनी वाइफ के साथ। दे वर वेरी पुअर बट वर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। वो बहुत ही पुअर थे लेकिन एक हैप्पी लाइफ रहते थे, हैप्पी रहते थे। अ सन वॉज बॉर्न टू देम, एक सन उनके पास पैदा हुआ था, उनका एक सन पैदा हुआ था। दे वर जॉयफुल एंड फेल्ट फॉर्चुनेट, वो बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही खुश हो गए थे टू हैव अ सन। अ लॉट दे वर पुअर, वो बहुत ही पुअर थे। दे वर अपट्राइडिंग देयर सन विद ऑल देयर लव एंड अफेक्शन, लेकिन फिर भी वो अपने सन को, मतलब अपने बच्चे को पूरा पूरा अच्छे से लव देते थे, अफेक्शन देखते थे। द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आफ्टर देयर चाइल्ड विद लॉट ऑफ केयर। जो ब्राह्मण और उसकी वाइफ थी, वो सन, मतलब वो जो बच्चा था उनका, उसको अच्छे से केयर देती थी और उसके बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। मतलब जो ब्राह्मण की वाइफ थी वो अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वन डे द ब्राह्मण वाइफ सुमति डिसाइडेड टू हैव अ पेट एनिमल। एक दिन जो ब्राह्मण की वाइफ थी सुमति, उसका नाम सुमति था, वो डिसाइड कर रही थी कि हमारे पास एक पेट एनिमल होना चाहिए। शी थॉट द एनिमल वुड प्रोटेक्ट द चाइल्ड, उसको लगा कि जो एनिमल होगा पेट एनिमल, वो उसके चाइल्ड को, मतलब उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा एंड वुड ऑल्सो बी अ कंपेनियन टू हिम, और उसका कंपेनियन भी बनेगा। शी डिस्कस्ड इट विद द ब्राह्मण एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग अ मंगूज। वो ये बात ब्राह्मण, मतलब कि उसके पति से डिस्कस करती है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो ब्राह्मण रहता है वो एक मंगूस को लाता है। द ब्राह्मण वेंट टू द सिटी एंड ब्रॉट अ मंगूस। ब्राह्मण जो है वो सिटी में जाता है और एक मंगूस लाता है। एंड दे स्टार्टेड रियरिंग इट, और फिर वो उसकी केयर करना स्टार्ट कर देता है। अ कपल ऑफ मंथ्स और नाइस वार्म आफ्टरनून, बहुत महीने, मतलब कपल, मतलब कि बहुत महीने हो गए, और एक अब अरब हो रहा था, एक नाइस वार्म आफ्टरनून, गर्म, मतलब गर्मी का मौसम जैसे रहता है तो आफ्टरनून थी। द मदर सुमिता सुमति वेंट टू टेक बाथ इन रिवर। जो मदर थी वो बाथ, मतलब कि नहाने गई थी रिवर के पास। एंड आस्क्ड हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को बताती बोलती है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की मतलब अच्छे से केयर करना। द ब्राह्मण वॉज प्लेइंग विद हिज सन व्हेन अ मैसेंजर फ्रॉम द सिटी चीफ मेंशन केम एंड सेड। ओ हॉली ब्राह्मण, मतलब कि जो ब्राह्मण था वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, फिर एक मैसेंजर, सिटी का जो मैसेंजर होता है चीफ मेंशन, वो आता है, बोलता है ओ हॉली ब्राह्मण यू हैव टू अकंपनी मी टू मेंशन इमीडिएटली टू परफॉर्म अ रिलीजियस सेरेमनी। वो बोलता है क्या आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा कंपेनियन बनना पड़ेगा, एक एक सेरेमनी है उसमें। द ब्राह्मण थॉट दैट इफ, द ब्राह्मण थॉट कि, मतलब ब्राह्मण बोल सोचता है कि अगर मैं सिटी में चले गया तो जो मेरा बच्चा है वो अलोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एंड इफ़ ही डिडेंट गो देन ही वुड लूज ऑल द मनी, और अगर वो नहीं गया तो फिर वो सारा, मतलब उसको उसके जो फीस पैसे मिलेंगे वो उसे नहीं मिलेंगे, और अगर वो चले गया तो उसका बच्चा अकेले रह जाएगा। ही वुड बी गेटिंग टू परफॉर्मिंग द सेरेमनी, फिर वो सोचता है कि मुझे सेरेमनी में जाना चाहिए। ही वॉज इन अ डेली डिलेमा, वो एक डिलेमा में, एंड थॉट टू हिमसेल्फ वॉट शुड आई डू, वो मतलब एक स्ट्रेस में चल जाता है और बोलता है अरे यार मुझे क्या करना चाहिए। देन ही सेड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आता है, वाई नॉट टू लीड द मंगोस फॉर द चाइल्ड्स प्रोटेक्शन। बोलता है कि मैं इस मंगूस को चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए रख देता हूँ घर में, मैं चले जाता हूँ सेरेमनी में और जो मंगूस है वो मेरा चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। सो ही कॉल्ड ऑन द मंगूस एंड लेफ्ट हिम टू टेक केयर ऑफ हिज सन। तो वो मंगूस को बुलाता है और
बोलता है कि मैं सन की केयर करना, होम एंड एवेंट अवे, होम में घर में और फिर चले जाता है। आफ्टर सम टाइम अ स्नेक केम इनटू द रूम, थोड़ी देर बाद एक स्नेक रूम में आता है एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द चाइल्ड, उसके बाद वो चाइल्ड जो बच्चा है मंगूस के आजू बाजू घूमने लग जाता है। द मंगूस सॉ द स्नेक एंड देन द चाइल्ड, फिर जो मंगूस है वो स्नेक को देखता है और जो चाइल्ड था बींग मंगूस लॉयल विथ फेथफुल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड ऑफ हिज मास्टर, उसके बाद उसे मतलब उसको याद उसको समझ आता है कि मुझे इसकी मतलब चाइल्ड को बचाना चाहिए, ओके मास्टर का जो चाइल्ड है। ही अटैक द स्नेक एंड शेयर हिम टू पीसेस, उसके बाद वो स्नेक में अटैक करता है उसको पीसेस में, मतलब उसको नुकसान पहुँचाता है, उसको दर्द मतलब उसको पीसेस में मतलब कट कर देता है ऐसा कुछ। द ब्राह्मण्स वाइफ रिटर्न एट द मोमेंट एंड ऑन रिटर्निंग होम दैट द माउथ ऑफ, जो ब्राह्मण की वाइफ है वो घर वापस आती है और देखती है जो मंगूस का जो माउथ रहता है वॉज स्टेन्ड विद ब्लड, शी इमिडिएटली कंसर्न्ड दैट द मंगूस हैड किल्ड हर सन, उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो जो मंगूस रहता है वो स्नेक को मार के अपने मास्टर के जो बच्चे रहता है उसको बचाता है, उसके बाद तो फिर उसके मुंह में पूरा ब्लड लगे रहता है। तो जब ब्राह्मण की वाइफ वापस आती है तो वो देखती है कि अरे पूरे मंगूस में तो ब्लड लगा हुआ है, उसके मुंह में स्टीयर्ड विद ब्लड, मतलब उसके पूरा मुंह एंड हैंड ब्लड से भरा रहता है। सो शी और उसको लगता है कि मंगूस ने ही मेरे बच्चे को मारा है। शी गॉट वाइल्ड इन एंगर एंड थ्रू अ बिग स्टोन ऑन मंगूस, वो एकदम एंगर से एकदम भर जाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है और एक बड़ा सा स्टोन जो मंगूस के ऊपर है वो फेंक देती है। द मंगूस वॉज हर्ट बैडली, जो मंगूस है उसको बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। देन शी रश्ड इनसाइड द रूम टू सी व्हाट हैपेंड टू द चाइल्ड, फिर वो रूम के अंदर दौड़ के जाती है और देखती है चाइल्ड को उसके बच्चे को क्या हुआ। शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट द डेड स्नेक लाइंग बाय द साइड ऑफ द कॉट ऑफ हर सन, वो एकदम सरप्राइज होते हैं ये देख के कि एक जो सांप रहता है वो बच्चे के कॉट कॉट मतलब जिसमें बच्चा सोता है उसके पास लेटा मतलब सांप मरा पड़ा हुआ है, बहुत सरप्राइज जाती है अचानक से। शी अंडरस्टूड दैट द मंगूस हैज सेव्ड हर सन्स लाइफ, वो समझ जाती है कि मंगूस ने ही उसके बच्चे को बचाया था बाय किलिंग द स्नेक, स्नेक को मार के। रियलाइजिंग द मिस्टेक शी रैन आउट ऑफ द रूम, जब उसको मिस्टेक अपनी समझ आती है कि अरे मैंने तो मंगूस के मंगूस के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया था और क्या सोच के पत्थर फेंका था कि मंगूस ने उसके बच्चे को मारा, लेकिन जब वो रूम के अंदर गई तो उसको पता चला कि मंगूस ने उसके बच्चे को बचाया। तो फिर वो जल्दी से मतलब रूम से बाहर जाती है और फिर क्या देखती है, शी एंड फाउंड दैट द मंगूस वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, जिसको दिखता है कि मंगूस तो मर चुका है बाहर जाने के बाद, उसको दिखता है एंड ऑलरेडी डेड और फिर वो मर चुका रहता है तब तक मंगूस। विथ सॉरो एंड पेन शी क्राइड आउट लाउडली एंड हर हैस्टी एक्शन, मतलब कि सॉरो मतलब कि बहुत दुख में और पेन में दर्द होता है उसको, मतलब बहुत दुख होता है उसके उसने और बहुत जोर से रोती है वो अपने हैस्टी एक्शन पर, उसको बुरा लगता है। क्यों हैस्टी एक्शन, मतलब कि जो उसने तुरंत एक्शन लिया उसके ऊपर तुरंत पत्थर फेंका। एज द सेइंग गोज इट वॉज टू लेट, लेकिन अभी जब तक वो रियलाइज कर रहे तब वो बहुत देर हो चुकी थी। टू क्राई ओवर स्पॉइल्ड मिल्क, डोंट एक्ट, इसका मोरल है डोंट एक्ट इन हैस्ट, ऑलवेज फर्स्ट थिंक एंड देन एक्ट, हमें कभी भी हैस्टी हैस्ट में एक्ट नहीं करना चाहिए, हैस्ट मतलब कि तुरंत एक हैस्टी एक्शन जैसे कि उसने तुरंत पत्थर फेंका था वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें पहले सोचना चाहिए उसके बाद ही एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। तो हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।